प्रशासन की सह पर फल फूल रहा है अवैध ओवरलोड लकड़ी का कारोबार। हसेरन कस्बे के नादेमऊ खड़गपुर खडनी रोड पर ट्रैक्टर पर ओवरलोड अवैध लकड़ी को लेकर फर्राटा भरता ट्रैक्टर बड़े आराम से रोडों पर आवागमन करता नजर आया। वहीं पुलिस अपने आप में चुप दिखी। सौरख थाना क्षेत्र व इंद्रगढ़ थाना क्षेत्रों की सीमा से लगे इलाकों में इस समय अवैध लकड़ी कटान जोरों से चल रहा है। सूत्रों की माने तो यह सारे कारोबार प्रशासन की सह पर फल फूल रहा है। अवैध लकड़ी काटने वाले लोग को ना तो प्रशासन की चिंता है, ना ही हरे पेड़ों से प्यार। जहां सरकार पर्यावरण को व्यवस्थित रखने के लिए हर साल लाखों करोड़ रुपए का बजट पौधों लगाने में खर्च करती है, वहीं अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। जहां वन विभाग को प्रतिदिन ऐसे लोग लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, वहीं वन विभाग गहरी नींद में सोया है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इस ओर क्या ध्यान देता है, या फिर यह लोग ऐसे ही प्रतिदिन वन विभाग को लाखों रुपयों का चूना लगाते रहेंगे। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर।